तो मेष राशि के जातकों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जान लेते हैं पंडित जी से बात मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी आपके राशि में राहु की स्थिति है। गुरु आपके 12वें भाव में आ गया है, व्यय भाव में, धन भाव में आपके मंगल है। व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में पेंडिंग काम वक्त पर आपको निपटा लेना चाहिए। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। पीठ दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से वाद विवाद ना करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए कैसी आज उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत रहेगी, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है और आज तो चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी आमदनी बढ़ेगी और बचत भी कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी तरक्की दिलाएगी। ज्यादा गुस्सा रिश्ते को बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। योग और प्राणायाम करें। सावधानी में आपके लिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है मिथुन राशि की, तो कैसा रहेगा आज का पूरा दिन मिथुन राशि का, जान लेते हैं पंडित जी से। मिथुन राशि पर इस समय बुध की पूर्ण दृष्टि है और मिथुन राशि से पंचम भाव में केतु और छठे भाव में चंद्रमा है। भाग्य स्थान में शनि पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में मान लिया जाए कि आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, धन लाभ होगा। कामकाज की बात करें तो ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। घर में मेहमान आ सकते हैं। शुगर रोगी अपना खास ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर्क राशि की कर लेते हैं, तो कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि के लिए, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि खर्चे कुछ ऊल जलूल होंगे, खास करके बीमारियों पर धन खर्च होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका अहंकार रिश्तों को बिगाड़ सकता है। सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन ना करें। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। आपके राशि स्वामी सूर्य देव की स्थिति इस समय रोग शत्रु भाव में है। ऐसे में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में धन हानि हो सकती है, सावधान रहिएगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। पारिवारिक मतभेद खत्म हो सकता है। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी अनजान से गुप्त बातें साझा न करें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी आ गई है कन्या राशि की। तो चलिए कन्या राशि की कैसी आज की आर्थिक स्थिति रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसा रहेगा, और साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कन्या राशि के लिए क्या है वो भी जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में इस समय चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। अगर आज आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, नया निवेश कर रहे हैं, तो इससे धन लाभ आपको हो सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा, लेकिन खान पान पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझ कर ही हस्ताक्षर करिए, छोटे बच्चों में कपड़ों का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। कहने का मतलब कारोबारी यात्रा धन लाभ कराएगी। ऑफिस में अपना काम दूसरों पर ना थोपें। पारिवारिक विवाद खत्म होगा। घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है। नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें। घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा आज का पूरा दिन जान लेते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय वृषभ राशि में बैठकर वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन व्यय भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज खर्च बढ़ेगा, बचत भी खत्म हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। पिता के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है पंडित जी से जानते हैं। धनु राशि का आज का ग्रह गोचर कहता है कि धनु राशि में इस समय चंद्रमा बुध के साथ विराजमान है और धनु राशि के धन भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। पराक्रम भाव में इकलौता शनि मजबूती के साथ स्थित है। सुख भाव का स्वामी बृहस्पति है। कोई कारोबारी डील धन लाभ कराएगी ऐसा मेरा विश्वास है। नौकरी बदलने के लिए एकदम अच्छा समय है, ज़्यादा मत सोचिए। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आपका जिद आपका नुकसान करा सकती है। भगवान गणेश की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की। तो मकर राशि का राशिफल आज के लिए कैसा उनका दिन रहने वाला है, उनका भाग्य आज कितना मजबूत रहेगा जानते हैं पंडित जी से मकर राशि। मकर राशि का अगर ग्रह गोचर देखें तो एक बात समझ में आती है कि सूर्य और शुक्र की स्थिति है और मकर राशि का स्वामी इस समय कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। दशम भाव में केतु जरूर है, लेकिन उसका स्वामी शुक्र जब लग्न में है तो कारोबार में तो तेजी आएगी, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कारोबार तो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ऑफिस में अधिकारियों से व्यर्थ में ना बोलें। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी रोग हो सकता है, डाइजेशन से संबंधित बीमारी हो सकती है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। और कुंभ राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है पंडित जी से जानते हैं। अब तो कुंभ राशि में शनि देव आ ही गए हैं, तो क्या पूछना है। उनकी मूल त्रिकोण की राशि है और ग्रहों की स्थिति देखें तो बृहस्पति आपके धन भाव में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, तो आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, धन की वृद्धि होगी।
काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, बेवजह किसी पर ना चिल्लाएं, बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जान लेते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। तो आइए बात करते हैं मीन राशि की। तो चलिए मीन राशि में तो आप समझ ही रहे हैं कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। कोई प्रॉपर्टी डील धन लाभ कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा काम काज तबीयत बिगाड़ सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।